हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम जो साइन होता है, जिसे साइन या बर्ड भी कहते हैं, कि ग्राफ्टिंग के लिए हम कैसे एक परफेक्ट साइन को चुन सकते हैं, तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक पूरा मैच्योर आम का पेड़ है, जिसमें फल भी लगते हैं। अभी इसके जो फल हैं वो लगभग लगभग पूरे झड़ गए हैं, यानी कि सिर्फ दो या पांच ही केरियाँ बच रही है। इसके अलावा पूरे फल इसमें पक गए हैं। तो दोस्तों, हमें एक परफेक्ट साइन चुनने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना, हमें सिर्फ दो चार बातों का ध्यान रखना है। इसमें सबसे पहले तो, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसकी ये जो आगे वाली लीव्स है, ये एकदम न्यू लीव्स है, यानी कि थोड़े टाइम ही हुआ है इनको निकले। तो दोस्तों, एक परफेक्ट साइन चुनने के लिए हम इस प्रकार की लीव्स का जो आगे वाला पार्ट होता है, ये वाला साइन नहीं लेंगे। हमें लेना है एक ऐसी लीव्स जो पूर्ण रूप से मैच्योर हो और जिनका जो कलर है वो डार्क हो, बिल्कुल डार्क। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे ये वाला साइन आप ये देख सकते हैं, हम इस वाले जो साइन है इसको चुन सकते हैं। अब आपको चुनने से पहले क्या करना है दोस्तों, आपको इसको चुनने से पहले ये जो साइन है इसकी सारी लीव्स को हटा देना है। इनको डिफोलिएज कर देना है। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा, इसमें डिफोलिएज हमने इसको जो हमारी लीव्स थी इसकी वो निकाल दी है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप इसको निकालने के बाद हमें कम से कम इसको 10 से लेके 15 दिन तक ऐसे रखना पड़ेगा, ताकि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो इसके अंदर अच्छी तरह समा जाए। और इसके बाद में जैसे जैसे ये 10 से 15 दिन हो जाएंगे, इसके आप ये वाले जो हिस्से हैं, जो पत्तियों के बचे हुए हिस्से हैं, ये अपने आप झड़ जाएंगे। तो उसके बाद में हम इसको काट लेंगे, और काट के आप किसी भी और पौधे पे अगर ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं तो हम उसमें इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि हमें जो साइन लेना है, साइन लेने के बाद, जैसे मैं इसको आपको काट के भी दिखा देता हूँ, तो दोस्तों जैसा आप ये देख सकते हैं, ये वाला साइन हमने एक प्रकार से सेलेक्ट किया। तो हम उसको अब जैसे 10-20 दिन तक हम इसको ऐसे प्लांट पे रखेंगे, जिससे ये वाले जो हिस्से हैं ये अपने आप झड़ जाएंगे। और दोस्तों, मान लीजिए जैसे अभी बसंत या फिर बारिश का टाइम है, और अगर आपको ऐसे लीव्स नहीं मिल रही है जो डार्क हो, तो आप इसमें देख सकते हैं, जैसे ये वाली लीव्स हैं, ये वाली लीव्स को यहाँ से ये इसमें एक नई ग्रोथ आ रही है और यहीं से डार्क है, तो हम इसको यहाँ से तोड़ भी सकते हैं, और तोड़ने के बाद इसको उसी प्रोसेस के थ्रू यहाँ से इनकी पत्तियों को काट लेंगे, और 10 से 15 दिन बाद हम इसका जो हमारे ग्राफ्टिंग है उसमें इसका यूज़ किया जा सकता है। दोस्तों, आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब भी आप ग्राफ्टिंग करें तो अगर हो सके तो बारिश के मौसम में करें, क्योंकि बारिश के मौसम में हम ग्राफ्टिंग करते हैं तो इसका जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत अच्छा आता है, और साथ ही बहुत जल्दी भी आ जाता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ टिप्स कि हम किस प्रकार एक परफेक्ट साइन या बर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं मैंगो ग्राफ्टिंग के लिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करें। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।